नमस्कार। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कल शाम को कैबिनेट डिसीजन के बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रेस मीट में दिए। इसका कुछ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पर है, इसीलिए आज प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स पूरे सिटी पुलिस के ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, ऑल डीसीपीज, ये मिलकर एक नया स्ट्रैटेजी बनाए जिसके तहत जितने भी मूवमेंट ऑफ व्हीकल हैं उसमें जो अनऑथराइज व्हीकल है उसको सीज करेंगे हम लोग। अगर कोई पास का मिसयूज कर रहे हैं, पास इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा और उसकी गाड़ी भी सीज होगी। इसके अलावा जैसा कि हमारे सीएम साहब ने प्रेस मीट में कहा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट, फूड, कुक्ड फूड लाइक जोमैटो या इस तरह के जो दूसरे ग्रुप हैं, स्विगी, उन लोगों को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि वो लोग इस तरह का ऑपरेशन बंद कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में पिज्जा डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये कुछ लोग इन्फेक्ट हुए थे। इसके अलावा हमारे सिटी पुलिस के जो 12,000 ऑफिसर्स हैं उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आइटम्स का, उसमें सैनिटाइजर्स 6,213 बॉटल, सोप 2,258, मास्क 61,158, ब्लीचिंग पाउडर 400 पैक ऑफ 1 kg ईच, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट 194, हैंड ग्लव्स 6,902 पेयर, पीयू ग्लव्स 1,250 और इसके अलावा 5 kg का बड़ा सैनिटाइजर 150। ऐसे मौके पे कल शाम को हमारे आईटी सेल के तरफ से एक ई पोर्टल, ऑनलाइन इश्यू ऑफ पासेस, इसका फैसिलिटी भी शुरू हुआ। ये एनीबडी हैदराबाद सिटी पुलिस .gov.in इसमें वो लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जॉइंट CPSB उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको ईमेल पर आएगा और आप लोग इसको अपने किसी भी प्रिंटर से ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कलर प्रिंटर से ही लेना, ब्लैक एंड व्हाइट भी काम करेगा। हमारे जितने भी चेकिंग पोस्ट हैं जिनके पास QR कोड को रीड करने का मशीन है, टैब है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जितने रिलीजियस फेस्टिवल हैं किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग घर के अंदर से सेलिब्रेट करेंगे, घर के अंदर से प्रेयर करेंगे, ये भी हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। और खास करके जो फंक्शन हॉल है, फंक्शन हॉल वालों को हम वार्निंग देते हैं, अगर आपके फंक्शन हॉल में किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हुआ तो आपके खिलाफ केस बुक होगा। हर फंक्शन हॉल के पास पुलिस गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकती है, इसीलिए अगर कोई फंक्शन हॉल में गैदरिंग हुआ तो केस बुक होगा फंक्शन हॉल के ओनर के खिलाफ। इसके अलावा अभी तक जो हैदराबाद में जो केसेस, पॉजिटिव केसेस आए हैं 395, जिसमें कि 331 एक्टिव केसेस है, 44 लोगों का ट्रीटमेंट होने के बाद डिस्चार्ज भी हो गए, 20 डेथ हुआ। इसमें टोटल प्राइमरी कॉन्टैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए,